पैसेकरंट.com में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि आप घर बैठे जो है वो नेट बैंकिंग का प्रयोग करके अपने स्टेट बैंक की चेकबुक जो है वो ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, यानी आप जो है चेकबुक बैंक की तरफ से कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जो है वो देखते रहिए और सीख लीजिए कैसे करें। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों, हमें विजिट करना है onlinesbi.com पे। जी हाँ दोस्तों, हमें विजिट करना है onlinesbi.com पे और उसके बाद हमें क्लिक करना है लॉगिन बटन पे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं लॉगिन बटन पे, हमारे सामने जो है एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू टू लॉगिन, हमें जो है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा हमारे यूजर नेम और जो है वो पासवर्ड उसके बारे में। तो दोस्तों हमारा जो यूजर नेम है वो हम एंटर कर लेते हैं और पासवर्ड जो है वो एंटर करने के बाद क्लिक कर देते हैं लॉगिन बटन पे, जैसा हम आपको बिल्कुल हमारी स्क्रीन पे जो है वो दिखा रहे हैं दोस्तों। तो लॉगिन होने के बाद हमारे अकाउंट में काफी सारे ऑप्शन जो है वो हमारे सामने दिखाए जाते हैं दोस्तों। तो उनमें से जो हमें ऑप्शन चूज करना है वो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल आपको क्लिक करना है ई सर्विसेज पे, जैसा बिल्कुल हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं दोस्तों। आप क्लिक कीजिए ई सर्विसेज पे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है वो लेफ्ट साइड में काफी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तीसरे या चौथे नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेकबुक के नाम से, तो आप उसको जो है वो क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर की आपको डिटेल दी हुई है, आप अपना अकाउंट नंबर चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको किस तरह का जो है वो चेक चाहिए, मल्टी सिटी या किस तरह का, तो आप मल्टी सिटी चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको नंबर ऑफ चेक बुक्स, आपको कितनी चेक बुक चाहिए वो चूज कर लीजिए। और उसके बाद है नंबर ऑफ चेक लीव्स, तो दोस्तों चेक लीव्स का मतलब आपको कितने चेक जो है वो चाहिए दोस्तों। तो हम लोग जो है 10, 20 या 30 जितने भी जो है चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्लिक करना है दिए गए सबमिट बटन पे, जैसा हम बिल्कुल आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं दोस्तों। सारी ऑप्शन भरने के बाद हमें क्लिक करना है सबमिट बटन पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, हमारे सामने जो है हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस दिखाया जाएगा। अगर हमारा एड्रेस जो है हमने चेंज कर लिया तो आप जो है वो न्यू एड्रेस पे क्लिक करके अपना एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा जो एड्रेस है हम लोग वही रख देते हैं और उसके बाद क्लिक कर देते हैं सबमिट बटन पे। रजिस्टर्ड एड्रेस जहां पर है दोस्तों उसके सामने जो है वो चेक कर लीजिए कि डॉट जो है वो सिलेक्टेड हो। तो सबमिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने एक जो है ऑप्शन आएगा कि आप जो है इस डिटेल को पूरी को वेरीफाई कर लीजिए। आपकी जो काफी सारी अकाउंट्स की डिटेल जो है वो वहां पर दी होगी, आपको जो है वो कितने सारी जो है वो चेकबुक ऑर्डर करनी है, कितने सारे चेक होने चाहिए उसमें, उसके बारे में, और आपका एड्रेस भी है जो आपको दिया होगा। वो सब चेक करने के बाद आप क्लिक कर दीजिए कन्फर्म बटन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कन्फर्म बटन पे जो है वो आपका प्रोसेसिंग होगी और आपकी जो है वो सामने सक्सेसफुल का मैसेज जो है वो आ जाएगा कि आपका जो चेकबुक है वो ऑर्डर कर दिया गया है। अगर दोस्तों ऐसा ना हो और आपके सामने जो है वो ऑप्शन आए कि आपको जो है वो हाई सिक्योरिटी मैसेज जो है वो सेंड किया गया है और आपको वो एंटर करना है, तो दोस्तों आपके मोबाइल पे हो सकता है आपको एक एसएमएस भी जो है वो सेंड किया जाए कंफर्म करने के लिए कि आप ही जो है इस कार्य को कर रहे हैं। तो आप जो है वो नंबर जो है वो एंटर कर दीजिए और उसके बाद जो है वो सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, तो उससे भी जो आपका सक्सेसफुल जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इस तरह की खास जानकारियां आपके लिए जो है वो बिना किसी खर्च के लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए दोस्तों अगर आप इसी तरह की जानकारियां जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमें जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जो है वो बिना किसी खर्च के पहुंचते रहे, क्योंकि हम लोग जो है वो इसी तरह की जानकारियां हर रोज लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कैसे करें।